अभी जो है कुछ सोच के मतलब बैठी है कि इतना पिछले वाला बात याद आ गया है, इसीलिए नॉर्मल हो गई है। क्या बोलेंगे इनको तो हम समझाते हैं कि अब जो भी हुआ सो हुआ, पिछला बात मत याद करो, क्योंकि नहीं मानती है तो हम क्या करेंगे। खुद टेंशन हमको भी हो जाता है लेकिन हम नहीं सोचते हैं उतना, क्योंकि अब सोच के क्या फायदा, जो हो गया हो गया, तो वापस तो नहीं आने वाला है। सोच के भी अब कुछ अभी कर भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, शादी के बाद आरती का रो रो कर बुरा हाल, कहीं आज छोटू रहता तो ये सब नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि जब से छोटू इस दुनिया को छोड़ के गया है, तब से आरती के जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। इतना ही नहीं, भगवान ने पहले तो आरती से छोटू को छीन लिया, और जब आरती छोटू के घर रहने लगा तो अचानक एक दिन आरती ने मन्नू से शादी भी कर ली। जब शादी का कुछ दिन बीता भी नहीं था तो कुछ मीडिया वाले ने मोनू पर FIR रद्द कर दिया, और अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आरती की कुर्सी जब्ती भी होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि जो मीडिया लोग जो है वो FIR जो मन्नू पर किए थे, अब वो उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उसके घर आ रहे हैं। लेकिन जब पुलिस उसके घर आते हैं तो मन्नू फरार हो जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं आरती के घर का कुर्ती जब्ती भी हो सकता है, और ये सब सोचकर आरती आज बहुत रो रही थी, और वो कह रही थी कि यदि कुर्सी जब्ती होता है तो मैं कहाँ रहूँगी। ये सब सोचकर छोटू को याद आ गया, और छोटू के याद में आरती खूब रोने लगी। इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आप सबको बता दूँ कि आरती अब अपनी ही बुनी हुई जाल में खुद फंसती हुई नज़र आ रही है, और कल जो है आरती की छोटे भाई जो है शशिकांत, उसका बेल हो गया है, और जब वो जेल से छूटकर आया है तो ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनने के बाद आप भी यकीनन चौंक जाओगे। लोग को बता ही दिए कि मनोज जी घर में नहीं है, हम अकेले रह रहे हैं, अभी भी आप लोग भी सोच सकते हैं। शादी का एक महीना भी नहीं हुआ, इस तरह का मेरे साथ कितना हालात गुजर रहा, आप लोग भी सोच सकते हैं। और अभी भी बबीता मैम देख रहे हैं किस तरह कर रहे हैं, कि अब बोले कि धरना प्रदर्शन देंगे थाना में आप। दोस्तों, जब से आरती मनुष्य के साथ शादी की है, तब से आरती का स्थिति इतना खराब हो गया है कि आरती अपने मुंह से बया भी नहीं कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि जब से छोटू इस दुनिया को छोड़ के गया है, तब से आरती के जीवन में काफ़ी उथल पुथल मचा हुआ है। इतना ही नहीं दोस्तों, पहले तो आरती से भगवान ने छोटू को छीन लिया, और इसके कुछ महीने बाद ही आरती ने छोटू के बड़े भाई मन्नू से शादी कर लिया। और जब से मन्नू से आरती ने शादी किया है, तब से आरती के जीवन में काफ़ी भूचाल आया हुआ है। जी हाँ, मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग सबको पता होगा ही कि एक महिला पत्रकार से मोनू ने हाथापाई कर लिया था, और उस हाथापाई के दौरान मोनू ने महिला पत्रकार को कुछ गलत जगह पर यानी प्राइवेट पार्ट को टच कर दिया था, तो इसलिए मन्नू पे महिला पत्रकार जिसका नाम है बबीता मिश्रा, वो FIR दर्ज कर दिया है। और अब बबीता मिश्रा कह रही है कि अब मैं जब तक मोनू को गिरफ्तार नहीं करेगी पुलिस, तब तक मैं धरने पे बैठे रहूंगी। इतना ही नहीं, वो आगे कहती है हमें पुलिस पे विश्वास है कि वो पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द मन्नू को गिरफ्तार करेगी। जब ये बात आरती को पता चला तो आरती का रो रो कर बुरा हाल है। वो साफ साफ कहने लगी कि मैं शादी करके फंस गई, अब मैं कहाँ जाऊँगी। यदि मोनू को पुलिस गिरफ्तार करती है तो आरती अब कहाँ जाएगी और किसके साथ रहेगी। दोस्तों, क्या कहना चाहते हो आप बबीता मिश्रा रिपोर्टर के लिए, क्या बबीता मिश्रा ने सही किया है, तो आप लोग हमें कमेंट करके सीधा सीधा बताएं। तो यही था हमारे आज के वीडियो में। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।